प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है, लोगों को फ्री में दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से निःशुल्क दवाई वितरण योजना को फलीता लग रहा है। अलवर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए कि आखिर कैसे दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया है। एक तरफ प्रदेश सरकार गरीबों के लिए निशुल्क मुख्यमंत्री दवा योजना चला रही है तो दूसरी तरफ बानसूर में निशुल्क दवा योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली दवाइयां कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। इस कूड़े में आप देख सकते हैं इंजेक्शन, ग्लूकोज की ड्रिप, मास्क, सब कुछ फेंका गया है। जब जी मीडिया की टीम ने कूड़े के ढेर से उठाकर दवाइयों की पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये दवाइयां अभी एक्सपायर नहीं हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चिकित्सा विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? क्या इन दवाइयों से किसी गरीब का मुफ्त में इलाज नहीं किया जा सकता था? या मतलब कचरे के ढेर के अंदर जो एक्सपायरी डेट इनके 2021 है, या पड़ी हुई है, ड्रिप पड़ी हुई, इंजेक्शन पड़े हुए हैं। वही बानसूर ब्लॉक डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि ऐसा मामला हमारी जानकारी में नहीं है और अगर ऐसा है तो इसकी जांच की जाएगी। इस हॉस्पिटल को छुट्टी दी थी तो ऐसा कोई मामला होगा तो आवश्यक कार्रवाई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पतालों में एक तरफ मरीजों को कतार लगाकर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की मिलीभगत से दवाइयों को कूड़े में फेंका जाता है। ऐसे में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है जांच होनी चाहिए और दवाइयां कूड़े में फेंकने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जुगल गांधी, जी मीडिया, अलवर।